Very good idea. नमस्ते सब, गुड इवनिंग. ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता वहां तो बड़ा बोरिंग सा लगता है. सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे, वही कहानी बताते रहेंगे. ऐसा है कि दो चीज बताऊंगा फिल्म में. एक तो कहानी है जो मैं जो मेरे हिसाब से एक बड़े मॉडर्न श्रवण कुमार जी की जो कहानी थी, जो अपने माँ बाप को लेकर चार धाम की यात्रा कराई थी उन्होंने, वहाँ इस जो एक पिक्चर का जो फ्लेवर है वो एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार जी हैं, वो जो मेरे दाएं पे बैठे हैं. ये सपुत्र हैं मेरे बड़े अजीज सह कलाकार श्री अमिताभ बच्चन साहब के. मैंने अमित जी के साथ 5 पिक्चरें की हैं, बहुत मजा आया उनके साथ, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म की थी. और आज उम्मीद करता हूं कि उनके सपुत्र के साथ मैं भी आपके सामने ऐसी एक एंटरटेनमेंट फिल्म पेश करूं जैसे हमने आया. थैंक यू सुप्रिया जी, आपके साथ मैं पहली बार काम किया है. बहुत बेहतरीन कलाकार है, इसमें तो कोई शक नहीं है. आसिन तो हम पहले काम कर चुके हैं हाउसफुल 2 में, तो एक जो हमारी एक परिवार की जो एक रूपरेखा है इस फिल्म में वो आप देखेंगे. अब जैसे मैंने पहले कहा, इसके बारे में और इलैबोरेट करूं तो बड़ा बोरिंग हो जाता है. तो आप चाहूंगा कि बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें, सॉरी जूनियर बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें. आप जब कुल्लूर जा रहे थे तो उसके पहले एक ट्वीट किया था आपने कि एक दिन के लिए मैं सॉन्ग शूट करने आया था और इनके पिताजी के भी साथ काम किया, इनके साथ भी काम कर रहा हूँ. कुछ गुण देखते हैं आप अभिषेक के भीतर जो बच्चन साहब के हों, जो आपको नहीं? बच्चन साहब सीनियर, उनके तो गुण अलग है, इनके गुण अलग है. जरूरत थोड़ी कि वो उन्हें कॉपी करें या उन्हें उनके पदचिन्ह पर चले. इन्होंने अपनी खुद पोजीशन बनाई हुई, अपनी खुद आइडेंटिटी बनाई हुई, अपनी खुद छाप छोड़ी हुई उन्हें. और आप देखेंगे इस फिल्म में, हमें असल में ये पहली फिल्म है जो हमने साथ में काम किया है जैसे होना चाहिए. अब अच्छा लगे बुरा लगे तो सब ऊपर आप लोगों के हाथ में है, बट हमने जो काम किया है वो ऑनेस्टी से काम किया है. So let them decide now whether I do a striptease or show them a song from the film. Since Chintu uncle wants a striptease. मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को एतराज नहीं है कोई? मेरा प्रश्न अभिषेक बच्चन साहब से है. प्रश्न ये है कि ये जो पीछे जो मेरे एक तराजू जैसे चीज में, सुप्रिया जी को तो छोड़िए, मेरा भार उन्होंने कैसे अपने कंधों पे उठाया?